तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसका जो मिड टर्म का आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा जो आपका 29 सितंबर, जी हाँ बच्चों 29 सितंबर 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का, उसके अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग इस सैंपल पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिक्टो रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि भैया वही क्वेश्चंस हम लोग इस सैंपल पेपर के अंदर लेते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस का तो मैं टॉपर रह चुका हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपका पेपर में आ सकता है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना जरा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, ये हम लोग जो सैंपल पेपर है कर रहे थे, बेसिकली हमारा थर्ड सैंपल पेपर था और इसका भी ये पार्ट टू वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर जो पार्ट वन में हमने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए थे वो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस सैंपल पेपर का पार्ट वन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप पार्ट वन वाला वीडियो पहले देख लीजिए। अगर आपने पार्ट वन वाला वीडियो देख लिया है इस सैंपल पेपर का तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़रा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। हम लोग वो वाला सामान्य निर्देश यहाँ पर देख लेते हैं जो इस वीडियो में जिन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं ना, वो वाला सामान्य निर्देश देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेक्शन सी को, जो कि आपका वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो इस सेक्शन के अंदर हमसे पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी जो आपका रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 31 तक जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन सी के अंदर हमसे पूछे जाएंगे, जहां पर हमसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बोले 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे सेक्शन सी में पूछे जाएंगे। उनका आंसर हमें देना है, जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर हमें 40 शब्दों में देना है, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर हमें 100 शब्दों में देना है और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर हमें 150 शब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम यही चीज इंग्लिश में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इसको सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आपको समझा देता हूँ और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सके और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही बच्चों जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी या खंड ग भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ये 2-2 नंबर के, यानी 2 मार्क्स वाले होने वाले हैं और इनका आंसर हमें 40 वर्ड्स यानी कि 40 शब्दों में देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि 1999 में, यानी 1999 में जो सिएटल में विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक हुआ था तो इसका जो विरोध हुआ था वो किस आधारों पर किया गया था, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध जो हुआ था, इसका मुख्य कारण यह था कि आर्थिक रूप से ताकतवर जो देश होते हैं, यानी कह लीजिए डेवलप कंट्री होते हैं, जैसे आपका फ्रांस हो गया, आपका यहाँ पर जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह के जो देश है
इनके द्वारा जो है व्यापार के अनुचित तरीकों का विरोध करना था। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो देश है ये व्यापार तो करते हैं पूरी दुनिया के देशों के साथ, लेकिन अनुचित तरीके से, कह लीजिए एक तरह से गलत तरीके से व्यापार करते हैं, अपना फायदा खाली देखते हैं, छोटे देशों का, गरीब देशों का फायदा ये नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये आधार था जिस आधार पर जो मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ था आपका 1999 में सिएटल के अंदर विश्व व्यापार संगठन का, उसका यहाँ पर विरोध किया गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 23वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के किसी दो लाभ को उजागर कीजिए। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है, उसका क्या फायदा होता है? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बाइक है, ठीक है, तो उस बाइक का होने का क्या फायदा है आपके पास? तो आप बोलेंगे सर जी अगर मुझे ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाने में बाइक जो होता है मेरा मदद करता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको कोई भी जगह जाना है तो बाइक तो आपका मदद करेगा ही, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी मदद करती हैं। तो उसी प्रकार से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका होने का कोई दो लाभ आपको बताना है। तो एक चीज आप ये लिख सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करता है, जैसे कि पर्यावरण हो गया, महामारी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो गया, शांति, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा जगह तो होना चाहिए ना जहां पर सारे देश इकट्ठा हो सके और वहां पर इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो सके कि भैया कैसे रशिया यूक्रेन वॉर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ग्लोबल पीस को कैसे हम स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा जगह हो जहां पर सारे देश के लीडर इकट्ठा हो और इन चीजों पर बात करे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो एक महत्वपूर्ण जो आपका भूमिका है वो निभाता है, आपको यहाँ पर एक मंच प्रोवाइड करवाता है सभी देशों को, जहां पर सारे देश के लीडर इकट्ठा हो सकते हैं और किसी चीज के ऊपर यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन होने का एक तो फायदा ये होता है। अगला है भैया, अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। बच्चों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि मार्शल योजना के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, या यूं कह लीजिए कि मार्शल योजना क्या था, वही पूछ लिया यहाँ पर हमसे। ठीक है, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आपका मार्शल प्लान था इसको एक्टिवेट किया गया। इसके तहत क्या हुआ था भैया कि जो यूरोप था और यूरोप में भी जो पश्चिमी यूरोप था उसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु वित्तीय सहायता जो है प्रदान किया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने जबरदस्त मदद की थी आपका पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करने में, इसे ही मार्शल प्लान कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। बच्चों आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, वैश्वीकरण जो है इसके क्या कारण है? तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, प्रौद्योगिकी, परिवहन तथा संचार के तीव्र तथा बेहतरीन साधन देखने को मिलते हैं वैश्वीकरण के कारण हमें। ठीक है, आप देखेंगे नया नया टेक्नोलॉजी जो है गरीब देशों में भी या पिछड़े देशों में भी देखने को मिलता है। क्यों भैया? वैश्वीकरण के कारण। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जो स्मार्टफोन चला रहे हो, ये स्मार्टफोन हमारे देश में थोड़ी ना बना है, ये किसी और देश की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर भी आपके हाथ में ये स्मार्टफोन है, सस्ते में आपको मिल गया है ना, इतना बजट में मिल गया कि आप खरीद सकते हैं। आप बोलेंगे सर जी सस्ता थोड़ी ना है मेरा फोन, मेरा फोन तो 15,000 का है, 20,000 का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बजट में मिल गया कि आप खरीद पा रहे हो। अगर मान लीजिए कि दूसरे देश आपको बेचने को तैयार नहीं होते ये स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी, और हमारा देश खुद ही इसको डेवलप करना चाहता, तो एक तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत लंबे समय तक हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, साथ ही साथ हो सकता था बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता हमें। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वैश्वीकरण देखा जाए तो यहाँ पर इससे क्या होता है, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, परिवहन, संचार, इसका तीव्र और बेहतर साधन हमें देखने को मिलता है वैश्वीकरण के कारण। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, संचार के अच्छे साधनों की उपलब्धता के कारण बाकी विश्व के साथ जो है परस्पर जुड़ाव देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन का अच्छा सिस्टम है वैश्वीकरण के कारण ही। ठीक है, जिससे कि पूरी दुनिया के साथ जो है आपको एक अच्छा कनेक्शन देखने को मिलता है। आज के टाइम पे अमेरिका में कोई चीज हो जाती है तो तुरंत आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि अच्छा अमेरिका में ये चीज हो गया,
अमेरिका में वो चीज हो गया, तो ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि पूरा दुनिया आज के टाइम पे जो है जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा है, वैश्वीकरण के कारण सभी देशों के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है। आपका मान लीजिए कि भाई है वो अमेरिका में है, ठीक है, आप इंडिया में बैठे हैं तो इजीली उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, तो इतने दूर बैठे व्यक्ति से भी आप वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण की ही देन है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं सोवियत संघ का विघटन तथा एक ध्रुवीय विश्व जो है केंद्रीय विश्व में पश्चिमी उदारवादी विचारधारा का भी हमें कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, जो है कि WTO हो गया, जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की यहाँ पर बाज और मुख्य विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण में भूमिका देखने को मिलती है। कहने का मतलब यह है कि ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनका वैश्विक स्तर पर जो है काफी ज्यादा कह लीजिए इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है ना, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 27 तक डिस्कस करेंगे ये 4 नंबर का होने वाला है, 100 शब्दों में आपको आंसर देना है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 25वां क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ये 4 मार्क्स का था, यानी कि 4 नंबर का था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए ध्यान से, कि वीटो शक्ति से क्या अभिप्राय है, यह विशेषाधिकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किन सदस्यों देशों के पास प्राप्त है, ठीक है, या किनको ये अधिकार मिला हुआ है, ये पावर किन देशों को मिला हुआ है और क्यों मिला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझिए, मैं आपको एनिमेशन के फॉर्म में थोड़ा सा समझाने का प्रयास, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। मैं थोड़ा सा टाइम में आपको पीछे ले चल रहा हूँ, ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अभी टाइम है भैया 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म कब होता है, 1945 के अंदर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और ग्लोबल पीस यानी कि वैश्विक शांति जो है स्थापित होती है, ठीक है। इस तरह से पूरी दुनिया में शांति हो गई और 1945 के अंदर ही हमारा UNO बन गया। अब जैसे ही UNO बना तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिला कि सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद भी बन गया। अब सुरक्षा परिषद बना तो वहां पर जो स्थायी सदस्य थे वो वही देश थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे। कौन कौन से देश थे भैया यहाँ पर, एक तो था आपका UK, एक था आपका यहाँ पर रशिया, फिर अमेरिका आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, चीन आ जाता है, ये सब मिल करके ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जीते थे, ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी तो है ये दुश्मन बने फिर रहे हैं, अमेरिका और रशिया वगैरह इस तरह से, चाइना वगैरह, ये सब दुश्मन बने फिर रहे, लेकिन ये सारे देश जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर साथ मिल करके लड़े थे, ठीक है, इसीलिए इनको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया। ओके, तो ये थे आपके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। अब इनको एक विशेष अधिकार प्राप्त है जिसको बोला जाता है वीटो पावर, ठीक है। अब ये वीटो पावर क्या होता है भैया, मान लीजिए कि पूरी दुनिया के लिए एक कानून बनाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि पूरी दुनिया का भला हो सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कानून बनाया जा रहा है कि हाँ अब जो आपका गाड़ी चलेगा वो पेट्रोल पे नहीं चलेगा, अब आपका गाड़ी चलेगा EV पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा, खाली जो बैटरी वाला गाड़ी होता है ना उस तरह से, उसी तरह से कार वगैरह चलेगा आपका। ये एक नया कानून पूरी दुनिया के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पूरी दुनिया एक तरफ, ओके, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और एक अकेला देश जिसके पास वीटो पावर है आपका मान लीजिए अमेरिका, ठीक है, वो एक तरफ हो जाएगा। पूरी दुनिया के देश यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ इस कानून को पास किया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका अगर बोलता है कि मैं वीटो लगाता हूँ और इस कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए, तो वो कानून पास नहीं होगा, इतना ज्यादा पावरफुल है ये अधिकार, ठीक है। इसे नकारात्मक अधिकार भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर कि जो वीटो पावर है भारत के पक्ष में सबसे ज्यादा वीटो पावर आपका सिक्योरिटी काउंसिल में किसने इस्तेमाल किया है, तो रूस ने जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है हमारे पक्ष में। जब भी हमें जरूरत पड़ती है वीटो पावर की तो रशिया सामने आ जाता है और भारत के पक्ष में बहुत बारी वोट किया है रशिया ने, ठीक है। तो ये आपका एक एडिशनल क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर एक निषेधाधिकार है जिसके तहत जो है कोई भी देश जो है अपनी एक तरह से कह सकते हैं नाराजगी, या फिर यूं कह लीजिए कि हाँ मैं नाखुश हूँ, इस चीज को दर्ज किया जा सकता है। और जब जो है कोई देश वीटो लगाएगा, जो भी स्थायी सदस्य है उनके पास ही वीटो पावर है, इन पांचों में से कोई भी एक देश अगर वीटो लगा दिया जाता है तो वो कानून पारित नहीं हो सकता है, वो कानून को लागू नहीं किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पर आप लिखा हुआ भी आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना कैसे है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में
एक वोट देने का अधिकार होता है, परंतु सुरक्षा परिषद के 5 ऐसे स्थायी सदस्य होते हैं जिनको ऋणात्मक वोट देने का अधिकार होता है, एक नेगेटिव वोट देने का अधिकार होता है, ताकि यदि सभी सदस्य किसी एक निर्णय के पक्ष में हो तब भी वह अकेले ऋणात्मक वोट दे करके पूरे निर्णय को रोक सके। यानी कि अगर सारे के सारे मेंबर कंट्रीज एक कानून के पक्ष में है कि हाँ ये कानून जो है बनना चाहिए, लागू होना चाहिए पूरी दुनिया में, लेकिन अगर एक बंदा भी जो यहाँ पर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, एक देश भी बोलेगा कि हाँ ये चीज नहीं होना चाहिए, तो वो चीज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस कह लीजिए पावर को, वीटो पावर को हम लोग ऋणात्मक शक्ति भी बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यही हमारा जो होता है वीटो पावर कहलाता है, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब वीटो का अधिकार रखने वाले देश कौन कौन से है भैया, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया यानी कि यूएसए हो गया, रूस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, और यहाँ पर एडिशनली मैंने लिख भी दिया है दूसरे विश्व युद्ध के विजेता के रूप में उन्हें यह शक्ति दी गई है जिससे विश्व में स्थायित्व तो लाया जा सके, और इसका एक उद्देश्य यह भी था कि महाशक्तियों की इस विश्व संगठन में रुचि बनी रहे। ठीक है, अब देखिए बहुत फनी आपको लगेगा लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो शक्ति है वीटो पावर, ये इन देशों को इसलिए भी दिया गया ताकि यूएनओ जैसा संगठन जो है उसके अंदर इन देशों की रुचि बनी रहे, यानी इंटरेस्ट बना रहे, है ना, ताकि ये देश बने रहे तो और भी सारे देश इसके अंदर शामिल हो, अगर इन्हीं का इंटरेस्ट नहीं रहेगा ऐसे संगठनों में तो कौन ही शामिल होना चाहेगा, है ना, तो एक तरह से उनके लालच के लिए भी कि भैया आपको ललचा रहा हूं मैं, आ जाइए ये चीज मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस तरह से करके दिया गया उनको कि हाँ वीटो का पावर दे रहा हूँ, आप लालच के थ्रू आ जाइए और आपके थ्रू बहुत सारे देश आएंगे, है ना। तो ये आप कह सकते हैं कि भैया जो देश थे विश्व महाशक्तियां थी, जैसे चाइना हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, आपका ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इनको अट्रैक्ट करने के लिए भी जो है इन महाशक्तियों को ये जो अधिकार है इनको दिया गया था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए, जितना जरा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पर्यावरण संबंधी मसले पर भारत की पक्ष की व्याख्या कीजिए। जब भी यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात आती है तो भारत का क्या पक्ष देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए भारत हमेशा से ही सकारात्मक यहाँ पर अपना दृष्टिकोण रखता है पर्यावरण को लेकर के, हालांकि हम एक डेवलप कंट्री नहीं है, यहाँ पर हम एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी हम पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सक्रिय रूप से काम करते हैं। उसके कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप लाइन से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख करके भी बता रखा है कि भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। साथ ही साथ भारत ने क्या किया भैया, जून 2005 में ग्रुप 8 यानी कि G8 जो कंट्रीज है उनकी बैठक हुई थी, जिसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो है दर जो है विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र की है। भैया जो G8 का यहाँ पर एक मीटिंग हो रहा था जिसमें ऐसे कंट्रीज आते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, अमेरिका वगैरह इस तरह के देश, तो उनको ये याद दिलाया भारत ने कि देखो भैया हमारे देश में जितना ग्रीन हाउस गैस निकलता है ना, जो कि धरती को गर्म करते हैं गैसे, आपके देश में तो भैया बहुत ज्यादा निकल रहा है, हमारे देश में तो फिर भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान में रखना है। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा होना भी चाहिए कि विकसित देशों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि उन्होंने अपना विकास ही इसी तरह से किया है पर्यावरण को हानि पहुंचा करके, तो पहले उन्होंने भैया अपना विकास कर लिया, वो विकसित देश बन गए, अब वो क्या बोल रहे हैं विकासशील देशों को, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ऐसे देशों को क्या बोलते हैं कि भैया आप जो है पर्यावरण को बचाइए अब। अरे भैया तुम तो वहां पे विकसित हो गए पर्यावरण को पूरा गंदा करके, और सबसे ज्यादा गंदा भी तुमने ही किया है, और अब हमें ज्ञान देने आए हो कि अरे तुम भी पर्यावरण को बचाओ हम भी बचाएंगे, पागल समझ रखे हो। तो इसीलिए भारत ने कई बार बोला है कि भैया आप जो है इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में जितना ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलता है प्रति व्यक्ति के ऊपर, उससे ज्यादा तो आपके देशों में अभी भी निकल रहा है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार जो है हमारा UNFCCC जो है, इसके अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में
अधिकतर ऐतिहासिक उनदायी का तर्क रखता है। कहने का मतलब यह है कि भारत हमेशा एक्टिव रहा है हर पर्यावरण के मामले को लेकर के, और हमेशा आगे रहने का प्रयास किया है। 2000 तक भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन जो था वो 0.9 टन था, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक यह मात्रा जो है बढ़कर के 1.6 टन प्रति व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन इमिशन की बात की गई है। तो ये भारत का आप कह सकते हैं पक्ष है पर्यावरण को लेकर के, हमेशा सकारात्मक रहा है और उसी को लेकर के यहाँ पर इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, कई सारे बच्चों को यहाँ पर आंसर टफ लग रहा होगा, क्वेश्चन ये वाले टफ लग रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो आसान लगेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार देखने की जरूरत है, जिससे कि उनकी अच्छी तैयारी हो सके। और मैं ये देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो है मिड टर्म एग्जाम की तैयारी में ढिलाई करते हैं। ठीक है, तो देखो भैया मिड टर्म एग्जाम जो है ना आपका वो एक बेस है, इसको थोड़ा सा समझिए। मैं 1 मिनट आपका लूंगा और इंपॉर्टेंस बता दूंगा बेसिकली आपको कि मिड टर्म एग्जाम जो आपका होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। बच्चों अभी आपका मिड टर्म एग्जाम हो रहा है, ठीक है, मिड टर्म जो एग्जाम जो आपका हो रहा है वो एक तरह से बेस आप समझ सकते हैं। जैसे एक घर बनाया जाता है तो सबसे पहले नींव रखी जाती है ना, तो उसी प्रकार से मिड टर्म का जो आपका पेपर है वो एक आपका बेस तैयार कर रहा है आने वाले एग्जाम्स को लेकर के। मिड टर्म एग्जाम के बाद आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा, फिर लास्ट में आपका फाइनल एग्जाम होगा जिसको आप बोर्ड एग्जाम भी बोलते हैं। अगर आपने मिड टर्म एग्जाम में अच्छी तैयारी की उसके बाद आपका प्री बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, उसमें भी आप तैयारी अच्छी करेंगे, फिर आपका बोर्ड एग्जाम जो है एट द एंड बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अगर आप मिड टर्म के एग्जाम में ही ढिलाई बरत देते हैं, मिड टर्म के एग्जाम में ही अच्छे से नहीं करते हैं, तो आपकी नींव कमजोर हो गई, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम में और आपको दिक्कत आने वाला है, बोर्ड एग्जाम में और दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल के चलता हूँ कि अपने मिड टर्म एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर जी अब जो यहाँ पर मार्क्स आते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी नहीं बची है क्लास ट्वेल्थ में, एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, आगे कॉलेज में भी एग्जाम लेना, आपको एडमिशन लेना है बेसिकली, तो एग्जाम लिया जाएगा पहले आपका, एंट्रेंस लिया जाएगा, है ना, तो मार्क्स की क्या वैल्यू है सर ये बताइए मुझे। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मार्क्स की क्या वैल्यू है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब कि आपने तैयारी अच्छी की है। ठीक है, अगर आपके क्लास ट्वेल्थ की तैयारी अच्छी हुई होगी तो उसी के बेसिस पे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं, अच्छा से अच्छा कॉलेज ले लीजिए, तो वहां पर आपका एंट्रेंस बेस्ड पेपर होगा, इस तरह से एंट्रेंस आप क्लियर करेंगे देन आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो एंट्रेंस जो होता है, एंट्रेंस एग्जाम जिसको आप कहते हैं, वो तभी आप क्लियर कर सकेंगे जब आपने स्टडी की होगी। आपने पढ़ाई नहीं किया है ट्वेल्थ में कुछ, तो क्या आप एंट्रेंस के एग्जाम क्लियर करेंगे? आपका नॉलेज क्या है? नॉलेज तो भैया जीरो है पूरा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हो सकता है कि मार्क्स की वैल्यू अब ना बची हो, लेकिन नॉलेज की जो वैल्यू है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो नॉलेज अपना बरकरार रखिए, ट्वेल्थ क्लास के जो भी पेपर हो रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छे से देने का प्रयास कीजिए बच्चों। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि प्रति व्यक्ति आय तथा जनसंख्या वृद्धि विश्व में आर्थिक असमानता को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, एक साल में एक जो व्यक्ति है वो कितना पैसा कमा रहा है, इस तरह से प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, और भी तरीके होते हैं। और जनसंख्या वृद्धि तो आपको पता ही है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये दोनों चीजें मिलकर के पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता को कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि उच्च प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनने में मदद मिलती है। यानी कि भैया एक देश में जो आदमी रहते हैं, जैसे यूरोप के देशों में आप देखेंगे तो वहां पर उनका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, हर महीने हर साल वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, और उनकी आबादी भी कम है, तो इससे क्या होता है वो देश और अमीर होता चला जाता है। जबकि निम्न प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है एक साथ मिलकर के गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और भी गरीब बना देते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर आप देखेंगे इन देशों में क्या है भैया, एक तो प्रति व्यक्ति आय कम है, एक व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए देश में तो कम पैसे कमाते हैं लोग, ठीक है, साथ ही साथ आबादी जो है हमारी वो और तेजी से बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है भैया तो हम और ज्यादा गरीबी की ओर जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अमीर होने का एक बेसिक फंडा है देश के लेवल पे, यहाँ पर बताया गया है कि अगर यहाँ पर वैश्विक स्तर पर ये जो असमानता है इसको ठीक करना है, आपका प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या मिला करके आर्थिक असमानता को ठीक करना है, तो ये किया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाया जाए और जो जनसंख्या जो वृद्धि है वो जो तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या उसको कम किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा ये जो हमें यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है उसको रोका जा सकता है। यहाँ पर सुझाव भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रों को जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने के लिए प्रबंध करने होंगे, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना होगा, तभी जाकर के ये जो गरीबी
हिंदी वाला वर्ड है ये हटाया जा सकता है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह लीजिए देश का हर नागरिक जो है पैसे वाला हो सकता है ना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाले जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर कई देशों को ऐतराज क्यों है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यहाँ पर भारत जब भी जाता है कि हाँ हमें एक परमानेंट सदस्य बना दीजिए यहाँ पर, तो बहुत सारे देश जो है ना एक क्वेश्चन मार्क लेकर के खड़ा हो जाते हैं कि भैया हमारे पास ये प्रॉब्लम है, अगर आप इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो भारत जो है हम आपको एक परमानेंट मेंबर बना देंगे। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है, सबसे पहले यहाँ पर बोलते हैं कि आपको कैसे हम यहाँ पर एक परमानेंट मेंबर बनाए, आपका तो यहाँ पर विवाद ही नहीं सुलझ रहा है पाकिस्तान के साथ, तो एक ये चीज बोला जाता है। अगला बोला जाता है कुछ देश भारत की नाभिकीय क्षमता से भी चिंतित है, ठीक है, ये एक यहाँ पर पॉइंट दिया जाता है। चीन भी राजनीतिक कारणों से भारत के पक्ष में नहीं रहता है, आप देखेंगे ना जब भी यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जो है जाता है कि हमें एक स्थायी सदस्य बना लो तो सारे देश एग्री कर जाते हैं, लेकिन चाइना जो है वहां पर वीटो लगा देता है, बोलता है अरे नहीं यार यहाँ पर भारत को एक स्थायी सदस्य नहीं बनाएंगे। ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल रीजन रहता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, यदि भारत को स्थान मिलता है तो अन्य विकासशील देश जो है वो भी स्थायी सदस्यता की मांग करने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ अन्य का मानना है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, है ना, ऐसा बोला जाता है कि अगर भारत को स्थायी सदस्य बना देंगे तो और देश भी आने लग जाएंगे, जापान आ जाएगा इधर से आपका, ठीक है, और भी बहुत सारे देश आने लग जाएंगे, बोलेंगे हमें बनाओ हमें बनाओ। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं भारत के एक स्थायी सदस्य होने में कह लीजिए एक प्रॉब्लम के रूप में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अनेक देश जो है ऐतराज बोलते हैं कि भैया हम भारत को नहीं वो होने देंगे, यहाँ पर स्थायी सदस्य बने देंगे, तो इसलिए ऐतराज करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। बच्चों अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में ही, जो आपके मानचित्र वाले प्रश्न होते हैं, मैप वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, यहाँ पर देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक महत्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण एशिया का भाग नहीं समझा जाता है, एन इंपॉर्टेंट कंट्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो वो कौन सा है भैया, वो है आपका चाइना। अब चाइना यहाँ पर आपको कहाँ देखने को मिलेगा यहाँ वर्ल्ड मैप में, तो इधर आप देख सकते हैं ये जो है ना आपका बी वाला, ये चाइना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, क्रम संख्या एक है हमारा, सीरियल नंबर वन है और संबंधित अक्षर रिलेटेबल कैरेक्टर जो है बी है, देश का नाम जो है भैया चीन है यानी कि चाइना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इस देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो सफल रही है। ठीक है, ये कौन सा देश है भैया, द डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुल इन दिस कंट्री, तो वो देश है हमारा श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पर ये डी से आप देख रहे हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये श्रीलंका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, संबंधित अक्षर है डी और देश का नाम है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस देश में सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के शासन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर देख सकते हैं मिलिट्री रूल भी रहा है सिविलियन रूल भी रहा है, तो वो कौन सा देश है भैया, वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये ई से देख रहे हैं ये है आपका बांग्लादेश। तो यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे आंसर, हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, संबंधित अक्षर रिलेटेबल कैरेक्टर है ई और देश का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द कंट्री वेयर देयर हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो वो कौन सा देश है भैया, वो है आपका नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका नेपाल, ए से लोकेट किया गया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो क्रम संख्या हो जाएगा वो चार हो जाएगा, संबंधित अक्षर हो जाएगा ए और देश का नाम हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के उस पार्ट में जहां पर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं 6 मार्क्स वाले वो पूछे जाएंगे और इनका आंसर हमें 150 वर्ड्स यानी कि 150 शब्दों में देना है प्रत्येक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर जो 29वां क्वेश्चन है ये देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि वैश्वीकरण के विरुद्ध दुनिया भर से उठने वाले किन्हीं 4 तर्कों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण के खिलाफ कह लीजिए दुनिया भर से आवाजें उठती रहती हैं, तो ऐसा क्यों है कि भैया वैश्वीकरण का विरोध जो है दुनिया भर से होता रहता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके कई सारे कारण हैं या कह लीजिए कि कई सारे फैक्ट दिए जाते हैं इसके पीछे। पहला कारण या पहला फैक्ट ये दिया जाता है कि भैया वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है,
अमीर को और अधिक अमीर बनाया जा रहा है, ठीक है, अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब बनता जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपको आज के टाइम पे एक मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, या फिर एक कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, मान लीजिए कि आपको कोई दवाई खरीदनी है, दवाई तो केमिस्ट से आप खरीद सकते हैं, वैसे कंप्यूटर खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, या फिर फ्रिज खरीदना है, तो आप ऑनलाइन जाकर के सर्च करेंगे कि हाँ भैया ऑनलाइन कितने का मिल रहा है ये प्रोडक्ट, है ना। ऑनलाइन जाकर के आप देखेंगे, अच्छा ये मोबाइल है ये मुझे 15,000 का मिल रहा है, चलो भैया परचेज कर लेते हैं, आपने वहां से खरीद लिया, ठीक है, ऑनलाइन जैसे आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट होता है ना, इस तरह से आपने खरीद लिया। ओके, तो इससे क्या हो रहा है भैया, जो आपके ऑनलाइन वाली वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जो ये तो आपका इंडिया का है नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट इंडिया का तो है नहीं, बाहर का है, तो ये तो पैसा कमा ले रहे हैं, लेकिन जो आपका लोकल लेवल पे जो दुकान खोल के बैठा है बंदा, मोबाइल फोन वगैरह बेच रहा है, उसका भैया यहाँ धंधा तो बंद होने के कगार पे है, तो भैया वो तो और गरीब होता जा रहा है और पीछे होता जा रहा है, और जो आपके अमीर है ऑलरेडी पैसे वाले हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, मैं किसी को भी डिफेम यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी जो वेबसाइट है ये और ऊपर जा रही है और अमीर होती जा रही है, और भी आप कई सेक्टर्स में भी देख सकते हैं ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, क्योंकि भैया वैश्वीकरण के आने से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है। ओके, चलिए अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं इस तरह से कि गरीबों के हितों की रक्षा करने में राज्य की क्षमता का कमजोर होना, ठीक है। जो देश है वो गरीबों के हितों की रक्षा करने में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है जब वैश्वीकरण का ये दौर चल रहा है जब, ठीक है। क्योंकि देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां या बाहर की कंपनियां आपके देश में आती हैं तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, लचीला होना पड़ता है, अपने नियम वगैरह उनके अनुसार बनाने पड़ते हैं, नहीं बनाएंगे तो वो आपका देश छोड़ करके चली जाएंगी, जो भी रोजगार वगैरह मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एक देखने को मिलता है कि भैया राज्य की जो क्षमता है वो कमजोर हो रही है, जिससे कि जो गरीबों के हितों का फैसला है उसमें कहीं ना कहीं देरी होती है। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं जिस कारण से वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं पारंपरिक मूल्यों की क्षति हो रही है, जो पारंपरिक धारणाएं चली आ रही है, जो उनका संस्कृति है सभ्यता है लोगों का, वो एक तरह से खत्म हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि हम लोगों का देसी खाना क्या हुआ करता था, रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है, घी हो गया, दूध दही, ये सब पीने वाले पदार्थ हो गए हमारे, तो ये हमारे देश का देसी खाना आप कह सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे आप यंग लोगों को, बच्चा लोगों को देखेंगे तो वो क्या खाना पसंद करते हैं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, ये सब खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर पहनावे की बात करें तो धोती कुर्ता ये हमारे देश का पहनावा था, हमारे देश के लोग ये पहना करते थे, लेकिन आज के टाइम पे आपको रेयरली ही कोई यंग बंदा जो है धोती कुर्ता पहने हुए दिखेगा, ठीक है। ज्यादातर जो बूढ़े लोग हैं वही केवल धोती कुर्ता पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लोग जो है बाहर का संस्कृति सभ्यता अपना रहे हैं, टी शर्ट वगैरह हो गया, आपका लोअर हो गया, जीन्स हो गया, ये सब पहनना पसंद करते हैं, जिससे कि जो उनके पारंपरिक मूल्य है वो क्षति देखने को मिलता है उसके ऊपर, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं विकासशील देशों को पर्याप्त महत्व तो नहीं मिलता है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी एक कारण है जिस कारण से वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वर्तमान के किन्हीं दो पर्यावरणीय संबंधी सरोकार की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि पर्यावरणीय संबंधी वर्तमान चिंताएं जो कि कुछ इस प्रकार से है कि कृषि योग्य भूमि का ना बढ़ना, चारागाहों का अधिक होना, चारण मछली पालन से अधिक फसल लेना। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पे आप देखेंगे ना तो जो आपका कृषि योग्य भूमि है जिस पर खेती की जा सकती है वो लगातार कम हो रही है और आबादी लगातार बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है भैया, जिस पर जिस जमीन पर खेती हो रही है उस पर जो है सो कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, इस तरह से केमिकल इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो है सो कि वहां पर अनाज उगाया जा सके, और भूमि और ज्यादा बंजर होती चली जा रही है। तो ये पर्यावरण से संबंधित एक चिंता है, ठीक है। और विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों के 1 अरब 20 करोड़ जो जनता है उनको स्वच्छ जल पीने को नहीं मिलता है, 12 अरब 7 करोड़ लोग जो है साफ सफाई की सुविधा से वंचित है। ये आपका पर्यावरण संबंधित वर्तमान चिंताएं हैं। प्राकृतिक वनों को काटा जा रहा है, लोग जो है विस्थापित हो रहे हैं, पृथ्वी के वातावरण में ओजोन में लगातार जो है कमी हो रही है, ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, ठीक है। समुद्री तटों पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, आप कभी भी बीच पे जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है ना। तो ये क्या है भैया, वर्तमान समय में पर्यावरण से संबंधित चिंताएं ही तो है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, 31वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए, ऐसे किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए जो भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में बाधक है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया 3 नंबर का कि भैया भारत क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ करके एक और पूछ लिया आपसे कि भारत स्थायी सदस्य क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है कि भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में 3 तर्क यहाँ पर लिखने थे, मैंने 4 बता दिए। सबसे पहला, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, अब तो पहला हो गया है। यहाँ पर अगर आपको यूएनएससी यानी कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है तो ये बोला गया है कि आपकी जनसंख्या अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी देश की, तो भैया दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हमारा हो गया, तब तो हमें ले लो भैया अपने अंदर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे में। ये बोला गया है कि आपके देश में लोकतंत्र होना चाहिए, भैया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में भारत में, फिर भी हमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं बना रहे। संयुक्त राष्ट्र की सभी प्रयासों में भारत की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, और भारत का है भी, यूएनओ जो भी बोलता है करने के लिए, यहाँ पर सेना भेजो ये काम करो, भारत करता है। ठीक है, विश्व पटल पर उभरती हुई भारत की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पर अगर आपको सुरक्षा परिषद में शामिल होना है तो बोला जाता है आपका इकोनॉमी अच्छा खासा होना चाहिए, तो दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम लोग अभी के टाइम पे, 2023 चल रहा है, फिर भी हम लोग जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है, तो इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। अब क्या दिक्कत आ रहा है, भारत क्यों नहीं बन पा रहा है, तो एक तो है भैया पाकिस्तान के साथ जो तनावपूर्ण संबंध है उसके कारण, ठीक है, नाभिकीय जो क्षमता है हमारा उसको लेकर के कई देश चिंतित है, साथ ही साथ चीन अपना यहाँ पर पॉलिटिकल फायदा देख रहा है जिससे कि भारत एक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। यदि भारत को स्थायी स्थान मिला तो अन्य देश भी आ जाएंगे, ठीक है, जर्मनी जापान ये सब देश आ जाएंगे, बोलेंगे हमें भी दे दो हमें भी दे दो, तो इस कारण से भी भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है, बाधा आ रही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट प्रक्रिया तथा न्यायाधिकार को बेहतर बनाने के लिए किन्हीं 3 सुधारों का वर्णन कीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, 5 जो स्थायी सदस्य है उसको बढ़ा करके 7, 8 या 10 कर दो, और 10 जो अस्थायी सदस्य है उसकी संख्या भी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी चीज बना लो अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा टाइम टू टाइम तो एक टाइम पे वो इनरिलेवेंट हो जाता है। जैसे अभी 2023 चल रहा है, अगर अभी मैं आपको एक नोकिया का फोन गिफ्ट करूं, एक एप्पल आईफोन 15 गिफ्ट करूं, तो आप जो है आईफोन 15 लेना पसंद करेंगे, क्यों, क्योंकि जो आईफोन है या एंड्रॉयड फोन है उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन नोकिया जो है उसने अपने आप को टाइम के साथ अपग्रेड नहीं किया, इसलिए वो मार्केट से बाहर हो गया। तो उसी प्रकार से पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि अगर आप टाइम के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप भैया यहाँ पर विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन भैया जो आपका यूएनओ है, यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, और चेंज अगर करना है तो ये चीजें हम वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों की सूची जो है वो बढ़ानी चाहिए, थोड़े से यहाँ पर मेंबर और ऐड करने चाहिए, वीटो शक्ति जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, या तो आप सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सूची बढ़ाओ, यहाँ पर मेंबर ज्यादा बढ़ाओ, ठीक है, या तो अगर मेंबर नहीं बढ़ा सकते हो तो वीटो पावर को खत्म कर दो। ठीक है, 2005 में संयुक्त राष्ट्रियों को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए, जो हमारा यूएनओ है उसको और ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि शांति निर्माण के लिए आयोग बनाया गया, मानव अधिकार परिषद बनाया गया, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को माना गया, आतंकवाद की निंदा की गई। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन क्या है कि भाषाई आधार पर अलग राज्यों के निर्माण की मांग को भारत सरकार ने प्रारंभ में क्यों स्वीकार नहीं किया, इस निर्णय के क्या परिणाम निकले वो आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में जब भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य जो है बनना चाहते थे तो भारत सरकार ने क्यों इस चीज को नहीं माना,
और इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, भाषाई आधार पर अलग राज्यों के निर्माण की मांग को प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि कुछ नेताओं का मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से अर्थव्यवस्था और विघटन पैदा होगा। ठीक है, एक तो हमारी इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं देश के टूटने का खतरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और विभाजन का जो याद था वो अभी भी ताजा था, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो वो जो पार्टीशन इतना दर्दनाक था कि उसकी यादें अभी भी जहन में थी, इसीलिए जो है भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य यहाँ पर नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं निर्णय के क्या प्रभाव देखने को मिले यहाँ पर, तो राष्ट्रीय नेताओं के फैसले का स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी कि भैया आप ऐसे भाषा के आधार पर कैसे अलग राज्य नहीं बनाओगे। पुराने मद्रास के तेलुगु बोलने वाले क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कुछ भाग भी शामिल थे। ठीक है, विशाल आंध्रा या कह लीजिए आंध्र आंदोलन ने अलग आंध्र की मांग की जिसमें मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके भी शामिल थे। कांग्रेस के नेता पोटी श्री रामलु उपवास पर चले गए, 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया कि भैया इनकी मृत्यु हो गई, आप हमें अलग राज्य नहीं बना के दे रहे हो। तो यहाँ पर एक नए राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बनाया गया वो था भैया आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, आंध्र प्रदेश के गठन ने भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग का जो है सो पिटारा खोल दिया और केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया इस तरह से, जिससे कि भाषाई आधार पर अलग अलग राज्यों को बनाया जा सके। ठीक है, जैसे ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग करने की यहाँ पर घोषणा की गई, सारे राज्य आ गए हमें अलग करो, हमें अलग करो, इसलिए एक आयोग ही बना दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन जो है आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारत की छवि को देश तथा विदेश दोनों में धुंधली किया, क्या आप इस कथन से सहमत है, किन्हीं तीन तर्कों द्वारा अपने उत्तर को न्यायोचित ठहराइए। जब 1962 का वॉर हुआ था तो हम हार गए थे उस टाइम पे, ठीक है, तो इससे हमारा इमेज जो था ना वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ था पूरी दुनिया में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि भारत को सैनिक सहायता के लिए अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की ओर देखना पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि भैया हम बहुत ज्यादा कमजोर थे उस टाइम पे, हमें अमेरिका की तरफ जाना पड़ा, ग्रेट ब्रिटेन की ओर जाना पड़ा कि हमारी मदद कर दो। सोवियत संघ जो था वो तटस्थ था, आपको पता होना चाहिए जब भी चाइना की बात आती है ना तो जो आपका सोवियत संघ था उस टाइम पे, अभी रशिया है, वो न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल, वो बोलता है यार मैं ना तो भारत का साथ दे सकता हूँ ना यहाँ पर चीन का साथ दे सकता हूँ, क्योंकि भारत के साथ भी सोवियत संघ अर्थात रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और चाइना के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो सोवियत संघ उस टाइम पे कुछ कर नहीं रहा था, हमें ग्रेट ब्रिटेन यानी जो अंग्रेज लोग जो हमें छोड़ करके गए थे, आजाद करके गए थे, उनके पास दोबारा से जाना पड़ा, उनकी ओर देखना पड़ा, अमेरिका की ओर देखना पड़ा। इसने राष्ट्रीय अपमान की भावना उत्पन्न की, जाहिर सी बात है, एक होता है ना एक बेइज्जती वाली फीलिंग आती है कि यार हम हार गए, ऐसे हार गए, हमने अपना हिस्सा गंवा दिया, तो एक राष्ट्रीय अपमान की भावना जो है इस युद्ध ने उत्पन्न की। साथ ही साथ तैयारी में भी कमी के कारण रक्षा मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा, हमारा प्रिपरेशन भी सही नहीं था, जिस कारण से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उनको एक क्या करना पड़ा, यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ा, रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ा। उच्च सेना अधिकारियों या तो सेनावृत्ति जो सो की हो गए या फिर त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, ठीक है, ये जो उच्च सेना अधिकारी थे या तो वो सेवानिवृत्त हो गए, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत पढ़ दिया, माफी चाहूंगा, सेवानिवृत्त हो गए या तो उन्होंने जो है सो की त्याग पत्र दे दिया, या तो वो हट गए या तो उन्होंने बोला कि भैया हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि देखो बहुत बेइज्जती वाला बात होता है यार, आपका देश एक युद्ध में हारा है तो आपके देश के जो लोग हैं वो खुद बेइज्जती जैसा महसूस करेंगे और आपके देश का कुछ हिस्सा वो लोग ले गए हैं, लेकिन अब युद्ध होगा तो भैया अब तो पासा ही पलट जाएगा। खैर, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, और कांग्रेस कुछ महत्वपूर्ण लोकसभा उपचुनाव हार गई, असहमत होने पर भी परीक्षार्थी को ऐसे ही कुछ तर्क लिखने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं, अगर आप सहमत नहीं है तो भी, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल साइंस का
जो सैंपल पेपर नंबर 3 था वो समाप्त होता है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।